तहरीक इंसाफ का वफादारियां बदलने वालों के खिलाफ बड़ा फैसला। कौमी और सूबाई असम्बली के 20 से ज़ायद अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान। नामजद अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान का कहना है कि रेफरेंस मुतल्लिका असम्बली के स्पीकर्स को भेजे जाएंगे, स्पीकर ने रेफरेंस आगे ना भेजे तो अदलिया से रुजू किया जाएगा। हमारा कल एक फैसला हुआ है कि जितने भी हमारे एम पी थे, हमारी जमात के साथ उनकी एफिलिएशन थी और उसके बाद वो हमें छोड़ के चले गए और उनके हलके की आवाम जिन्होंने उनको इसलिए वोट दिया था, इलेक्शन का सिर्फ रिज़ल्ट लेने के लिए वो हमें छोड़ के चले गए थे, तो हमने ये फैसला किया है। क्योंकि अब पूरी तरह हमारी इधर अपोजिशन फॉर्म हो चुकी है, हमारा पूरा एक सेटअप आ गया है, तो हम इंशाल्लाह उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे पंजाब असम्बली में, और मरकज़ को भी हम ये लिखेंगे कि आप जो उधर भी, मेरे ख्याल में लाहौर से एक ही बंदे गए, वसीम समथिंग उनका को नाम है, तो उनको भी हम मरकज़ में भी ये हम सिफारिश करेंगे कि उनके खिलाफ भी रेफरेंस पेश किया जाए।